चलचित्र अभियान की और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। ये बात सही है कि अगर वो ऑक्सीजन ना हटाते तो मेरे पति 100% आ जाते घर, क्योंकि दूसरे डॉक्टर ने यही कहा था कि आप अपने भगवान को याद करो, आपके पति को कोई दिक्कत नहीं है। मुमताज़ जी, क्या हुआ था, कब की घटना है ये? कब? ये 5 तारीख की घटना है। उन्हें 2 दिन पहले बुखार आया था, तो हम यहाँ पे एक दिन तो हमने गांव की दवाई खिलाई लेकिन उससे कोई आराम नहीं लगा, तो हम यहाँ लेके गए शामली। तो ये किस हॉस्पिटल में भर्ती थे? ये L2 अस्पताल में थे शामली में। एडमिट करने के बाद उन्होंने आधा घंटे ऑक्सीजन लगाया तो वो आधा घंटे में ही ख़त्म हो गया। कि एक बात बताओ, 50,000 रुपये हैं हमारे यहाँ तो सिलेंडर 1,00,000 रुपये में बिक रहे हैं और तुम 50,000 रुपये दे देना। मैंने कहा भैया मेरे पास 50,000 तो नहीं है, मेरे पास 10,000 है। मैंने उन्हें 10,000 रुपये दे दिए। दस हजार रुपये लेने के बाद उन्होंने क्या किया कि एक सिलेंडर उठा के वो चल दिए वहाँ से। सिलेंडर उठाने के बाद जो मेरे मरीज का कमरा था वहाँ तक नहीं गए, दूसरे मरीज के सामने जाके उस पर, एक बुढ़िया सी थी उन पर लगा दिया। मैंने उसे कहा, मगर भैया तुमने पैसे मुझसे ले लिए, सिलेंडर इन पर लगा दिया, ऐसा क्यों कर रहे हो? तो मैं तुरंत अपने मरीज के पास आई तो उनकी हालत बिगड़ती जा रही थी बहुत ज़्यादा, तो कहने लगा कि कोई बात नहीं मैं इनको इंजेक्शन लगा देता हूँ। उसने इंजेक्शन लगाए, चार इंजेक्शन लगाने के बाद उनका शरीर काला पड़ने लग गया। मैंने कहा तुरंत, मैंने कहा भैया ये तुमने क्या करा, इंजेक्शन लगाते ही शरीर काला क्यों पड़ने लगा? कह रहा कि कोई बात नहीं, सबसे पूछो, सबके लगा रहे हैं, जबकि उन्होंने 7 डेड बॉडी मेरे सामने निकाल ली थी। तो फिर मुझसे कह रहे कि कोई बात नहीं मैं ऑक्सीजन ला रहा हूँ। ऑक्सीजन लाने के बहाने फिर मैं बाहर को गई तो उसने क्या कहा कि सुन लो ऑक्सीजन सिलेंडर तो ख़त्म हो रहे हैं और आप ना ऐसे करो 12 बजे रात को गाड़ी आएगी तब ऑक्सीजन सिलेंडर मिलेगा। तो इस बीच में मेरे पति की हालत बिल्कुल ख़राब हो चुकी थी, उनको खिंच खिंच के सांस आ रहे थे। मैं फिर भी सबसे रोती झिझकती फिर गई वहाँ, तो सब ने कहा कि कोई बात नहीं और तुम ना इनको कहो कि सिलेंडर लगाएं, तो उसने सिलेंडर नहीं लगाया, इसलिए मेरे पति की तड़प तड़प के जान चली गई। सरकार से कोई मदद मिली हो, किसी तरह का मुआवजा या कोई मदद? देखो भैया अभी तक तो कोई भी मुआवजा नहीं मिला और मुआवजा बिल्कुल भी नहीं दिया। मुआवजे के बारे में बात भी कर रहे सुरेश राणा जी से, कभी तो बोलते हैं अगर जमीन होती तो जमीन के उस पर मिल जाता आपको, लेकिन एक बात बताओ अगर हमारे पास जमीन होती तो हम सुरेश राणा से मदद क्यों लेते? सरकार भी हमारी और क्या ना मंत्री भी हमारा, लेकिन दुर्गति हमारी सबसे ज्यादा। तो आगे क्या आप इस तरह का केस लड़ेंगे या कैसे करेंगे? देखो भैया केस तो मैंने कर रखा, बेल तो होनी नहीं दूंगी, बेल नहीं होनी चाहिए। मैं तो मतलब मैं सरकार से भी यही चाहती हूँ मुझे इंसाफ मिले। किसी का कोई दबाव भी आया है आपके ऊपर की भाई? हाँ जी, फोन तो आए कह रहे कि आप पहले तो कह रहे थे समझौता कर लो, समझौता ना होने के बाद मैंने कहा मैं तो सजा ही दिलाऊंगी उसको। अभी क्या अपील है आपकी, किस तरह की मदद आप चाहती हैं? मैं ये चाहती हूँ जो मैंने अपना घर बनाया मेरी आर्थिक मदद हो, जिससे कि मैं उनका कर्जा उतार पाऊँ। और ये मैं अपने लिए नहीं लड़ रही हूँ, मैं पूरे समाज के लिए लड़ रही हूँ, क्योंकि आज मैं मेरे साथ ये सब हुआ है, कल किसी और के साथ ना हो।
अस्पताल में कहाँ ले गए थे सर? अस्पताल में बुढ़ाना ले गए थे जी, अस्पताल नहीं था वो, डॉक्टर की दुकान थी, क्लिनिक था, क्लिनिक था, उसको इलाज कराया। कब तक इलाज चला उनका, कितने दिन? उनका इलाज चला जी 5-6 दिन, 5-6 दिन में वो गुजर गए। तो क्या बताया डॉक्टर ने, किस चीज़ की कमी रही इलाज में, क्या दिक्कत थी? एक तो ऑक्सीजन नहीं मिला जी उनको, ऑक्सीजन मिलता तो बच जाते, ऑक्सीजन नहीं मिला, मेन बात तो ये होगी। एक उनके सर में थोड़ा नस में दिक्कत हो गई तो नस रुक गई। तो आपने कहीं से ऑक्सीजन भी लाने की कोशिश की थी? ऑक्सीजन लाने की कोशिश तो करते सर, लेकिन घूमे, लेकिन कोई भी ये बोलता था कोई 20,000 का देगा, 25,000 का देगा, अब इतने पैसे कहाँ से लाते हैं बताओ। अब हमारा मकान तो घर का है नहीं, अब जो गिरवी रख के यार पैसा ले आएंगे, किराए पे पैसे पड़े, तो ऑक्सीजन कहाँ से लाते ये बताओ तुम। सर तो बड़ा ही हुआ जी, जो इंतजार के बाद था ना जी, वो भी इतने बड़े को छोड़ के मर गए। कभी कोई बताया आपको बीमारी के बारे नहीं, में? नहीं, पहले कोई बीमारी नहीं थी, पहले काम करता था अच्छा, लील बेचता था वो हरियाणा में, सोनीपत जाके इधर से, बच्चे उसके यहीं रहते थे। तो उसके परिवार की अब क्या स्थिति है? उसके परिवार की स्थिति है जी, पैसा कुछ नहीं है दोरे, अभी भूखे मरने के दिन आ रहे हैं। अब कोई वैसे तो पैसा देगा नहीं, अब लोगों के पास हुई नहीं पैसा है तो कहाँ से देगा। अभी तो मांग तांग के गुजारा चल रहा, पर कब लोग चलेगा मांग तांग के गुजारा, अब करने वाला तो कोई रहा नहीं, छोटे छोटे बच्चे हैं, अब तो नहीं होगा जी, अब तो भूखे मरने के दिन आ गए। जो भी पैसा लगा इनके पास, जो चीज़ थी उसको गिरवी रख के, मतलब जो भी मेन सामान था सबको गिरवी रख रख के, जब उसके पास पैसा लगा उसके ऊपर, अब वो चीज़ भी गिरवी पड़ी है, कुछ नहीं है दोरे, पेट तो पालने है किसी भी डाल के ऊपर ही करके, मजदूरी ढूंढते, अब चिनाई भी कोई नहीं लगवाता, मजदूरी कहाँ से मिल जाएगी, क्योंकि किसी के पास पैसा नहीं है, तो मजदूरों का तो मरना ही है, इधर से देख लो या उधर से देख लो।